हे फ्रेंड्स, राजेश हियर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपको जल्द ही जो है MIUI 13.5 भी एक नया अपडेट जो देखने को मिल सकता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था किन किन डिवाइसेस को वो देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बट मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा MIUI 13.5 के अंदर आपको क्या क्या नए फीचर्स जो है देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स वाइज देखा जाए तो फीचर्स तो ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट UI के अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस टाइम पे जो है MIUI 13.5 के कुछ चीज़ों की टेस्टिंग जो है ऑलरेडी बीटा वर्जन में स्टार्ट हो गई है, वो सारे के सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दो फोन देख पा रहे हो, एक तरफ है हमारे पास Redmi Note 11 Pro Plus जिसके अंदर हम MIUI 13 का स्टेबल वर्जन यूज कर रहे हैं, और राइट साइड पे है हमारे पास Mi 11X जिसके अंदर हम MIUI 13 का बीटा वर्जन जो चाइना में रिलीज हुआ है उसको यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ चेंजेस मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो कैमरे से रिलेटेड है। कैमरे का UI जो है कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, कुछ नई चीजों को उसके अंदर ऐड किया गया है और कुछ चीजों को चेंज भी किया गया है। तो मैं दोनों ही फोन के कैमरे का UI आपके सामने लॉन्च करता हूँ। देखिए दोनों ही फोन्स में अगर आप देखें कैमरे के UI में आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फॉन्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनका जो टेक्स्ट साइज है अब ये कम कर दिया गया है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो आपको इसके अंदर प्रो वीडियो फोटो पोर्ट्रेट मोड ही देखने को मिलते थे, बट अब इसके अंदर जो है आपको डॉक्यूमेंट्स पोर्ट्रेट नाइट मोड ये भी ऐड कर दिया गया है, जो कि आपको पुराने वर्जन में मोर के अंदर देखने को मिलते थे, बट अभी ये जो है डॉक्यूमेंट और नाइट मोड जो है आपको यहीं पे बाहर ही आपको मेंशन कर दिया गया है। तो एक चेंज तो आपको ये यहाँ पे देखने को मिला है। उसी तरीके से कुछ और चेंजेस भी किए गए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको जो जूम के बटन देखने को मिल रहे होंगे, अगर आप इसमें देखें पुराने वर्जन में तो सिर्फ आपको 1x और उसके आसपास जो है डॉट के ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे 1x और डॉट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, बट जो MIUI 13 का जो बीटा वर्जन है यानी 13.5 में जो चेंजेस किए जाने हैं उसके अंदर आप देखें तो आपको यहाँ पे नंबर शो कर रहे हैं कि कितने नंबर तक आप जा सकते हैं, 0.6, 1x और 2, एक ये चेंज किया गया है। उसी तरीके से जो है जूमिंग लेंस में भी कुछ चेंजेस किए गए। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए हम दोनों के फोन के जूमिंग लेंस पे जाते हैं तो इसमें आपको नंबर शो करते हैं ऊपर 1x 2x 4x इस तरीके से, बट अब जो नया वर्जन आने वाला है उसमें आपको नंबर शो नहीं करेगा, एक तरीके का स्लाइडर शो करेगा जिसमें आपको यहाँ पे नंबर यहाँ पे शो करेगा कि कितना आप जूम कर चुके हैं, बट इसके अंदर जो है यहीं पर आपको नंबर शो करते थे, और ये देखिए ऊपर आपको यहाँ पे नंबर शो करते थे बट इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे कोई भी नंबर वगैरह शो नहीं करते हैं स्लाइडर के ऊपर। तो एक ये भी चेंज जो है अब आपको यहाँ पे कैमरे के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक और चेंज जो कैमरे के अंदर किया है, अगर हम कैमरे की सेटिंग्स में जाएं, देखिए हम कैमरे की सेटिंग्स में जाते हैं, दोनों ही फोन की हम सेटिंग्स में जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम बटन का फंक्शन देखने को मिलता है। आप इस पर टैप करते थे तो आपको शटर काउंटडाउन, जूम और वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिलता है। देखिए शटर काउंटडाउन का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट जो अब नया UI आने वाला है उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपको देखिए शटर का तो ऑप्शन देखने को मिलता है बट शटर काउंटडाउन की जगह अब उसको टाइमर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे आप देख पाएंगे टाइमर 2 सेकंड का है। तो कुछ इस तरीके के कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं UI के अंदर, आपको कुछ चीज़ों में चेंजेस किए जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जो पॉपअप विंडो है वो भी बहुत स्मॉल हो चुकी है और इसमें आपको काफ़ी बड़ी पॉपअप विंडो यहाँ पे देखने को मिलती है। ये भी एक नया चेंज जो है आपको यहाँ पे कैमरे के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चेंज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो आपके जो है मोस्टली जो है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो सिंगल हैंडली जो है फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। अब उनको जो है काफ़ी चीज़ों को एक्सेस करने में बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि हम फाइल मैनेजर में जाते हैं, मैं आपको दोनों ही फोन्स में दिखाऊंगा किस तरीके से काम करेगा वो। ये देखिए अगर फाइल मैनेजर में जाते हैं हम और किसी डॉक्यूमेंट्स पर जाते हैं, सपोज़ कि हम दोनों ही फोन्स के अंदर एक स्क्रीनशॉट को ओपन करते हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट पर जाते हैं, इस पर भी स्क्रीनशॉट पर जाते हैं। अब क्या होता है मोस्टली कभी कभार जब आपने कुछ चेंजेस करने होते हैं किसी फाइल में तो आप उस पर जब टैप करते हैं, यहाँ पे देखिए टैप करके आप अगर इसको शेयर भी करना चाहें, देखिए सेंड करना चाहें, तो कुछ इस तरीके का आपको UI देखने को मिलता है जो नीचे से लेके ऊपर तक शुरू होता है, बट नीचे के ऑप्शन में सिंगल हैंड में कभी कभार जो है आपको मुश्किल होती है इन बटन से क्लिक करने में। बट अब जो नया UI आ रहा है उसके अंदर आप देखेंगे तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मिडिल में आ गई है। ये देखिए पूरा का पूरा जो नया पॉपअप विंडो खुलती है वो मिडिल में आ जाती है और आप जो थंब से जो है इन बटन्स को यूज़ कर पाते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसी तरीके से और भी चेंजेस किए गए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम मोर में जाएँ, ओपन इन अनदर ऐप करें और इसमें भी मोर में जाएँ
और ओपन इन अनदर ऐप, तो इसमें भी देखिए आपको सारे ऑप्शन जो है नीचे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इसमें जो है सारे के सारे आपको सेंटर में देखने को मिलते हैं। तो यानी जो है आप वन हैंडेड मोड पे इसके अंदर यानी सिंगल आप थंब से इन सारे बटन्स को यूज कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि आपको अपने थंब को नीचे लेके आना पड़ता है और कई बार आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो ये भी यूआई के अंदर यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये हर जगह जो है इनको चेंज किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और जगह भी। देखिए सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो किसी भी ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे एडिशनल अब थोड़ी सी जो है उनका लुक जो है यहाँ पे चेंज कर दिया, तो यूआई में काफी ज्यादा चेंजेस आपको आगे चल के यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। उसी तरीके से मैं आपको एक और चीज इसके अंदर दिखाना चाहूंगा कि MIUI 13.5 में आपको एक नया फीचर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम दोनों ही फोन की सेटिंग में जाते हैं और कनेक्शन एंड शेयरिंग में जाते हैं दोनों ही फोन के अंदर, तो देखिए पोर्टेबल हॉटस्पॉट के अंदर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे हॉटस्पॉट, पोर्टेबल हॉटस्पॉट, वन टाइम डाटा लिमिट, ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बट MIUI 13.5 में जो आपको जो एक नया फीचर जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे ब्लर आउट है इथरनेट थ्री शेयर फोन्स इंटरनेट कनेक्टेड वाया इथरनेट, जैसे आप लोग जो है यूएसबी थ्रेडिंग यूज करते हैं उसी तरीके से जो है आप इथरनेट की भी ऑप्शन अब आपको वहां पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको MIUI 13 में अभी देखने को नहीं मिलता है। इस टाइम पे ये बीटा स्टेज पे इस पे टेस्टिंग स्टार्ट है और आपको एक ये नया फीचर जो है 13.5 के अंदर आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक नया फीचर जो है आपको 13.5 में प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट फीचर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो दोनों ही फोन के स्पेशल फीचर्स में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं MIUI 13 में जो आपको साइड बार देखने को मिलता है इसे हम ऑलवेज शो करते हैं। देखिए मैं इसमें भी ऑलवेज शो करता हूं, इसमें भी ऑलवेज शो करता हूं। अब आपको डेस्कटॉप के ऊपर जो है साइड बार का ऑप्शन जो है यहां पे देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे यहां पे आपको जो है साइड बार का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको आप स्लाइड करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का यहां पे पैनल देखने को मिलता है। उसी तरीके से यहां पे भी आपको वो देखने को मिलेगा, ये देखिए इस तरीके से। बट जो MIUI 13 है उसके अंदर जो है पोजीशन या तो लेफ्ट होती है या राइट होती है, बट जो 13.5 में आपको जिसको टेस्ट किया जा रहा है आप उसमें इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, मुझे सपोज कीजिए कि मुझे नीचे रखना है तो देखिए नीचे रखता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ, बट इसके अंदर जो है आप इनको ड्रैग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है जिसमें आप इसकी पोजीशंस को कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसको रख सकते हैं। तो ये फीचर भी आपको जो है MIUI 13.5 के बिल्ड्स के अंदर आगे चल के देखने को मिलेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो है आपको MIUI 13.5 में आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैं शेयर करना चाहता था कि कुछ इस तरीके की टेस्टिंग जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और भी कोई न्यूज निकल के आती है 13.5 रिलेटेड तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बट उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रह सके। एक चीज आपको बताता हूँ, MIUI 13.5 जो है उन्हीं डिवाइस को मिलने वाला है जो कि Android 12 को सपोर्ट करेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है मैंने, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा MIUI 13.5 रिलेटेड फीचर्स का वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।